नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। रजिस्ट्री घोटाला में हरियाणा के 300 अफसरों व कर्मचारियों पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के अपने वादे को पूर्ण करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में हुई रजिस्ट्रियों में बढ़ती गई कोताही को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने 300 ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की तैयारी कर ली है जो लगभग पिछले 4 सालों में रजिस्ट्रियों के दौरान बरती गई कोताही के लिए जिम्मेदार हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार इनको सस्पेंड तो नहीं करेगी, लेकिन इनके खिलाफ हरियाणा सरकारी सेवा नियमों के तहत कार्यवाही कर सकती है। इस मामले में अंतिम फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करना है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल व अंबाला के मंडलायुक्तों से रजिस्ट्रियों में हुई अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट तलब की थी। मंडलायुक्तों ने यह जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल के पास भेजी। वहां से रिपोर्ट को कंपाइल कर उप मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी गई। पहले सरकार का इरादा इन तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित करने का था, लेकिन फिर इस बात पर विचार हुआ कि यदि इतने अधिक संख्या में एक साथ अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया तो कामकाज पर असर पड़ सकता है, इसीलिए नियम 7 के तहत इन पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि इन अफसरों में कुछ जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो व रजिस्ट्री क्लर्क शामिल है। प्रदेश भर में 4 साल में हुई 7A रजिस्ट्रियों में जितनी भी खामियां मिली थी उनमें सबसे बड़ी बात सिस्टम में खामी आई थी। आपको यह भी बताते चले कि पिछली बार लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में बड़े स्तर पर सेक्शन 7A के तहत हुई रजिस्ट्रियों में बड़ी गड़बड़ियां मिली थी। इस दौरान 7 अफसरों को सस्पेंड भी किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अभी भी जारी है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले 4 साल के दौरान हुई इस तरह की सभी रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए थे। ये जांच 6 डिवीजनों के कमिश्नरों ने की थी। यहां आपको यह भी बता दें कि किसी भी रजिस्ट्री के लिए नियम यह है कि किसी भी तहसील में जब रजिस्ट्री होती है तो वहां लगे कैमरों से रजिस्ट्री करने व कराने वाले की फोटोग्राफी होती है, लेकिन जांच में यह सामने आया कि कई रजिस्ट्रियां मोबाइल के द्वारा फोटो लेकर की गई थी, जिसके बाद इस तरह की रजिस्ट्रियों पर सवाल खड़े हुए और अब सरकार इस मामले में सख्त रवैया अपनाने के मूड में है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।